Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. All the links will be in the description box. Assalamualaikum berries, kaise hain aap? Kemon acho berries? Hope you're doing fine. Dono mein bolna pada because aaj jo hum loose talk ka part 2 kar rahe, usme jo hamare actors hai, जो एक्टर्स नहीं एक्टर है वो ही इज प्रिटेंडिंग और ही इज प्लेइंग वो रोल प्ले कर रहे हैं एक बंगाली बांग्लादेशी माय करेक्शन बांग्लादेशी क्रिकेटर का हमने लास्ट टाइम देखा था पार्ट वन अभी पार्ट टू कंप्लीट करना बाकी था सो हियर वी आर लेट्स गो और काफी लोगों को एक मैंने कमेंट सेक्शन में ओपिनियंस काफी डिवाइडेड थे काफी लोग जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं उनको लगा कि बहुत सिमिलर है उनके एक्सेंट एकदम प्रॉपर एक्टिंग किया है व्हाटएवर व्हाटएवर बट काफी लोगों को ऐसा लगा कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन भी था और उनको अच्छा नहीं लगा तो मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके लिए बिकॉज मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ तो वो मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है कि नहीं वो मैं नहीं बोल सकती वो ऑफकोर्स कि जिसका भी ओपिनियन है आई रिस्पेक्ट दैट और ये मैंने नहीं बनाया है तो मेरे यहाँ वो कमेंट्स करके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी उसके लिए मैं एकदम न्यूट्रल तरीके से ये देख रही हूँ आई एम वॉचिंग दिस एज अ स्किट बट हाँ लास्ट टाइम मुझे जो ब्लैक फेस का लगा था वो मैंने बोल दिया था आई फेल्ट लाइक वो कुछ ज्यादा हो गया था तो अगर ऐसा हो गया तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी और अगर जैसे मैंने बोला कि सबकी सेंसिटिविटी लेवल कुछ भी चीज या जोक को एक्सेप्ट करने की अलग होती है सो आप किसी को नहीं बोल सकते कि नहीं ये जोक है आप एक्सेप्ट करिए उनको एक्सेप्ट नहीं करना है उनको ऑफेंड हो रहे हैं तो फिर यू जस्ट हैव टू बी लेट देम बी दैट वे बिकॉज हम उसका कुछ नहीं कर सकते द सेम थिंग गोज फॉर मी एज वेल राइट सो आई एम सॉरी अगर आप जिन बंगालीज और या बांग्लादेशी को ऐसा लगा होगा कि ये चीज मिस रिप्रेजेंटेशन है आई कांट हेल्प यू बट आप जो भी फील कर रहे हैं वो वैलिड है आपका ओपिनियन डेफिनेटली आपका ओपिनियन है मेरा इट्स माइंड एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन ओके लेट्स गो हम ब्रेक पे थे हम ब्रेक के बाद चालू करेंगे लूज टॉक लेट्स गो पिछले दिनों बांग्लादेश में सैलाब आ गया था हाँ पिछले दिनों बांग्लादेश में सैलाब आया था सैलाब बोले तो अच्छा सैलाब आ गया था बांग्लादेश में हाँ 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 याद आ गया सुना है पिछले दिनों तुम्हारा पाकिस्तान में बदिन में बाहर आ गया था सीन में बहुत फूल खिल गया था एकदम सुना तुम्हारा वजीर आजम उधर भाग रहा है सदर साहब भी भाग रहा है सारा कैबिनेट भाग रहा है फूल देखने के लिए इतना फूल आ रहा छोड़ेगा क्या बात करता है सैलाब है किधर में भी आ सकता है और ऐसा नहीं है कि पहले बोलता है कि देखो हम आ रहा है आ जाता है बाद में मालूम होता है तुम्हारे इधर का तो गवर्नमेंट का भी एकदम आ जाता है बाद में मालूम होता है अरे अल्लाह मियां दूसरा आ गया क्या ऐसा होता है छोड़ेगा सलाब सब जगह आता है okay. परेशान है आप परेशान है कुछ परेशान बोले तो कुछ अपसेट है आप कौन आप हम एकदम फर्स्ट क्लास है हम बांग्लादेशी है आप समझ नहीं रहे मेरी बात हम सब समझ रहा है तुम नहीं समझ रहा है हम तो एक एक कैलकुलेशन किया पूरा रात हम रिहर्सल किया है कि क्या बात करेगा मगर मेरे भाई सर भाई देखो मेरा प्रोग्राम क्रिकेट पर है किस पर है क्रिकेट पर है मेरा प्रोग्राम लेकिन हमारा प्रोग्राम क्रिकेट पे नहीं है तुम बैंकिंग पे बात करो हमारे साथ बैंकिंग हमारे साथ ओडीआई का तो मतलब हमको नहीं मालूम लेकिन हम तुमको बताएगा कि ओडी का मतलब क्या है तो हमसे बैंकिंग के ऊपर बात करो जो चीज हमको आता है उस पर बात करो मगर एक बड़ी सीधी सी बात है जिसकी वजह से आज आप लूज टॉक में मेरे मेहमान हैं डायरेक्ट बात करेगा इतना घोने फिनाने का क्या बात है डायरेक्ट बात करेगा आप क्या बात है आप बांग्लादेश के एक टेस्ट क्रिकेटर हैं हाँ तो तुमको क्यों तकलीफ है अभी तक आपने कोई टेस्ट नहीं जीता नहीं जीतेगा हमारा मर्जी है हमारा दिस इज अवर टारगेट नहीं जीतेगा This is our target, नहीं जीतेगा क्या मैं समझा नहीं आपको तुम सब हमारा टारगेट है हम नहीं जीतेगा फिर खेलते क्यों हैं हमारा मर्जी आपने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट खेले तुम्हारे को तकलीफ है हम 300 और खेले ठीक है नहीं ग्राउंड पे अगर कमजोर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कैमरा के सामने भी कमजोर होगा आप लोग बात और है आप लोग अच्छा बात और है आप लोग अच्छा क्यों नहीं खेल हम खेल सकता है अच्छा कैसे जितना भी बिहारी लोग है ना उधर बांग्लादेश में उसको तरह तरह बुलाओ इधर जल्दी से इधर बुला लो
क्योंकि अभी हम लोग आ रहा था तो ढाका एयरपोर्ट के ऊपर एक कोने के अंदर में बहुत सारा बिहारी खड़ा होकर मालूम है हमको इशारा कर करके क्या बोल रहा था, हारने के वास्ते जा रहा है पाकिस्तान, ऐसा आग लगी है क्या बोलेगा। आप किस मिट्टी के बने हुए? हमारा मिट्टी थोड़ी डार्क है, थोड़ा गारंटेड फॉस कलर है, तुम्हारा कलर उतरता है तुम लोग का। अच्छा, जब आप पाकिस्तान कलर उतरता है तुम लोग का तो मैंने टेलीविजन में कितना कलर उतरा होगा, तो एयरपोर्ट पे जब आप उतरे जहाज से तो आपका कलर इतना डार्क नहीं था, सनबर्न होता है ना उनको गर्मी के अंदर में, अगर जाके हमारे तरह तीन दिन खेल लेगा तो तुम मुगाबे का सदर लगेगा, इतना क्या जाएगा तो। मुगाबे का सदर चले। अच्छा एक बात, अब तो हम लोग भाई भाई हैं। क्या मतलब? तुम्ही गलत बोल तुम। नहीं नहीं, बांग्लादेशी तुम्ही गलत बोल, पाकिस्तानी आप गलत बोल रहा है। कैसी बात कर, जब ईस्ट वेस्ट एकदम भाई भाई साथ नहीं रहा तो अभी तो हम लोग डिफरेंट कंट्री है, हम बंगाली है, हम दोनों तुम बांग्ला बोलते पड़े नहीं, तुमको आता है थोड़ा बंगाली बोलना आता है? नहीं तो छोड़ो, बंगाली गाने। हाँ हाँ, हम बंगाली है, हम दोनों मुसलमान, हम बंगाली है। अगर हम मुसलमान होता तो मुसलमान मुल्क का अखबार हमारे वास्ते ये नहीं लिखता जो लिखा। नहीं मुसलमान तो मतलब तो कितना बुरा बात लिख दिया, कितना कितना बुरा लिख दिया अखबार के अंदर में, कितना बुरा लिखा मालूम है? क्या लिख रहा है? लिख रहा है कि बांग्लादेश को तबाह कर दिया। आगे लिखता है कि बांग्लादेश को चीत कर दिया, बांग्लादेश को धूम कर दिया। क्या कर दिया बांग्लादेश को ऊपर में? क्या तुमने बम मार दिया? ऐसा नहीं लिखना चाहिए, एकदम दिल का अजरी हो जाता है। मैं दिल का एकदम टुकड़ा होके अजरी हो जाता है और फिर डिफरेंस पैदा होता है। नहीं नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ इस बात में, मगर अखबार वाले तो ऐसे ही लिखते हैं। आप लोगों ने तो कुछ भी तो नहीं किया। हम लोगों ने कुछ नहीं किया मानता है, लेकिन उसका एक रीज़न है। आज पहला दफ़ा हम मुंह खोल रहा है, बहुत हो चुका, हार जीत होता है। अरे ऐसा पगल खुशी मनाता है जैसे पता नहीं। देखो हम क्या बोला तुम, आप बोल दिया कि हम कुछ भी नहीं किया, बोल दिया, मान लिया, हमारा गवर्नमेंट ने मना किया है, बोला कुछ नहीं करो। अगर तुम लोग कुछ कर रहा है तो कितना खुश हो रहा है। हमने अगर जरा कुछ कर दिया होता तो इधर तुम लोग का एकदम वगदड़ मच जाता, इसलिए हम लोग कुछ नहीं किया। नहीं, आपको देखने के लिए मैच में हजारों पाकिस्तानी गए, और जब आपका कोई प्लेयर चौका मारता था तो खड़े होकर तालियां बजाते थे। हमारे कौन से प्लेयर ने चौका मार दिया? आप लोग नए हैं क्रिकेट में, नए हैं आप लोग, हम लोग नया है, तुम लोग कितना पुराना है? गुड क्वेश्चन, बहुत पुराना है। तुम लोगों ने तो मेरा ख्याल है इंजमाम ने हमको कौन उधर बता रहा था तुम्हारा हिस्ट्री, बोला अकबर बादशाह को इंजमाम उल हक कोच करता था। ओहो, ये बात है ना? ऐसा बात नहीं, नहीं इतने पर आप, ये मजाक की बात नहीं, मैं आपसे एक संजीदा बात कर रहा हूँ। हम भी तुमसे सीरियस बात कर रहा है, तो तुम कौन सा कोई 2000 साल से क्रिकेट खेल रहा है, पुराना है, हम लोग भी पुराना हो जाएगा थोड़े दिन में। ये जो आपके नए कोच है व्हाटमोर, इन्होंने क्या सिखाया? व्हाटमोर, उसने हमको क्या सिखाया? उसने हमको कुछ नहीं सिखाया, सारा खुद बंगाली सीख गया है। अभी परसों हमको बोल रहा था अमी तुम्हें भलोवासी। वैसे मुझे बात मुझे भी आता है कि आप सारे मैच हार गए। अरे घुमा घुमा के सेम थिंग उस पे टॉन्स कर रहा है। अभी तुम्हारा एक इस बात पे एक बात करेगा, तुम्हारा एक शायर था बहुत बड़ा लिखने वाला था, थाना थानवी, शौकत थानवी, शौकत थानवी, शौकत थानवी को तुमको एक लाइन सुनाता है, कमजोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन। क्या लाइन है? कमजोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन। अभी क्या है मुझे नहीं पता चला। कमजोर मुकाबिल है तो फौलाद है मोमिन। अभी साउथ अफ्रीका के साथ में मैच हो रहा है ना, देखेगा तुम्हारा ये मोमिन कितना फौलाद है, देखेगा ना अभी। तो मोमिन तो आप ही हैं। हाँ, मोमिनुल्लाह चौधरी है। देखिए बांग्लादेश एक गरीब मुल्क है, आपकी हुकूमत आप लोगों पे बहुत पैसा खर्च कर रही है,
अच्छा तुम्हारे से लेके खर्चा करता जी है? नहीं जी। तो फिर तुमको क्यों तकलीफ है? हमारे ऊपर खर्चा करता है ना, हमारा खर्चा। बांग्लादेश गरीब मुल्क है, बांग्लादेश गरीब। मगर आप हर बात का, हर सवाल का मतलब गलत क्यों निकाल रहे हैं? अगर हमने हर सवाल का मतलब सही निकाल दिया तो तुम्हारा पूरा नेशन का चीख निकल जाएगा। बांग्लादेश गरीब मुल्क है, हम लोग मान रहा है, बांग्लादेश गरीब मुल्क है, बिल्कुल मान रहा है, लेकिन तुम लोगों का मुल्क तो अमीर है। तुम लोगों का मौफिक हम लोग जो है बच्चा लोगों का तालीम और सेहत के लिए टेलीविजन के ऊपर में चंदा नहीं जमा कर रहा है। बताओ, बम फोड़ दिया, करोड़ों रुपया तुम लोग का लीडर लेके भाग गया, और इधर गरीब बच्चा लोगों का सेहत और तालीम के लिए टीवी के ऊपर में चंदा जमा हो रहा है। अरे सारा तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है आप? फिर किसको? आपने पहले चेक किया था कि आप किसको बुला रहे हैं मेरे प्रोग्राम में? कौन है? नहीं, मैं आपस की बात है, प्लीज जी। आपस की बात है? अब बात यह है जी, इसी आपस का बात ने तो तुम लोग को तबाह कर दिया है। खुल के बात करो, आपस का बात मत करो। इधर सारा लोग को देखा है, सब आपस में खुसूर फुसूर खुसूर। आप एक टेस्ट प्लेयर है, सिवाय टेस्ट के आप हर किस्म की बात कर रहे हैं। जो चीज हमको आता है उस पर बात करो। तालीम पे बात कर रहे हैं? तालीम पे बात, बच्चों की तालीम। बात यह है कि हमारे यहाँ 70% लोग पढ़े लिखे नहीं है, 30% पढ़े। तो तुम किस में आता है? 70% में आता है या 30% में? मुझे नहीं पता किस में आता है। हम तुमको बताते हैं, तुम 0% में आता है। एक सेकेंड, मेरे ख्याल में कुछ होने वाला है, जाइएगा मत, मिलते हैं कुछ होने के बाद। बहुत क्या, अभी कसम खा के बताएगा तुम, ऐसा इंटरव्यू पहला कभी किया तुम? कि जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं किया, दुनिया भर का टॉपिक पे बात किया। इतना इंटेलिजेंट आदमी तुम्हारे प्रोग्राम में आया पहले? नहीं। फिर कैसे बोलता है बांग्लादेश कमजोर है? बहुत होशियार है। आप देखिएगा, तुमने हमारा होशियारी देखा नहीं है? नहीं नहीं, दिखाएगा कुछ अर्से के बाद होशियारी दिखाएगा। अपना होशियारी बांग्लादेश को दिखाएगा। हाँ दिखाएगा, अगर ये बांग्लादेश दिखाएगा, सबको दिखाएगा। हमारे पे जो तंज करता है, एकदम सरकास्टिक हो जाता है, दिखाएगा, एकदम दिखाएगा। अभी फिर आप मुंह से कुछ बोल देगा तो एकदम आग लग जाएगा, दिखाएगा तुमको। मुल्तान का गर्मी में हमको खिलाया, हम दिखाएगा तुमको। साला सैलाब का जमाने में बुला के खिलाएगा, एक बाढ़ आएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा किधर गया पूरा टीम। आपकी मर्जी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। कॉमेडी और स्किट के नाम पे इतना सब मैसेजेस, सबलिमिनल टोन, सबलिमिनल मैसेजेस, आइकॉनिक। और डेफिनेटली कोई भी ये पहली बार नहीं, मैं दूसरी बार देख रही हूँ तो भी आई थिंक ये समझने में थोड़ी टाइम लगता है कि ये एक्चुअली स्किट है। इट इज नॉट एन एक्चुअल इंटरव्यू, इट डज नॉट लुक लाइक वन, इट नेवर लुक्स लाइक वन। इतना रियल इंटरव्यू लगता है। आई डोंट थिंक एनी वन विल एवर, पहले से कोई सोच सकता है कि ये स्किट हो सकती है, इंटरव्यू नहीं हो सकता है। आई एब्सोल्युटली एंजॉयड इट, आई होप यू डिड टू। एंड आई थिंक इसके बाद हम लोग करेंगे गुजराती वाला, बिकॉज आई एम गुजराती, मैं गुजराती हूँ। लूज टॉक गुजराती, ओके ओके, आई थिंक ये वाला है 169 वाला एपिसोड, आई गेस, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मे बी। आप अगर आई एम रॉन्ग तो प्लीज लेट मी नो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बेरीज, लव यू।